स्कंद के रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। भगवान कार्तिक का तो स्कंद दूसरा नाम, माँ स्कंद इसीलिए तो पड़ा है इनका नाम। ममतामयी रूप इनका ममता बरसाता है, यही रूप तो भक्तों को भी पार लगाता है। दी है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा इन्होंने कार्तिक को, ताकि तार कसुर दानों का वध कर पाए वो। क्योंकि तार कसुर दानों था बड़ा वीर बलवान, था वरदान यह तुम्हें मार सकती है शिव संतान। पूरी कथा अब तार कसुर की हम तो सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नामक दानों एक बड़ा वीर बलवान, जितने हुए असुरगण उनका करते थे सम्मान। तार के घर में हुई थी भक्तों बस दो ही संतान, पुत्र हुए हैं तार कसुर पुत्री का तारा नाम। तार कसुर करना चाहता सब देवों को आधीन, यही सोच ब्रह्मा भक्ति में हो गया है वो लीन। कई हजार वर्ष तक की है उसने घोर तपस्या, आकर बोले ब्रह्मा जी क्या मन में है इच्छा। बोला तार कसुर की अमर हम होना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुनकर बोले ब्रह्मा जी यह संभव नहीं कदापि, आया है जो इस धरती पर पड़ता है जाना भी। अमर होने का तुमको मैं ना दे सकता वरदान, तार कसुर बोला के बना दो सबसे मुझे बलवान। तथास्तु कहकर ब्रह्मा ने हाथ उठाया है, पुत्र तुम्हें मारेगा उसे यह भी बताया है। बोला तार कसुर की शिव का नहीं हुआ है विवाह, नहीं कोई मुझसे बलशाली कौन मार मुझे पाए।
उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुर का बढ़ता जाए फिर तो अत्याचार, मैं बलवान हूँ सबसे ज्यादा कोई ना पाए मार। स्वर्ग सिंहासन तार कसुर हथियाना चाहता था, सब देवों को अपना दास बनाना चाहता था। सती विवाह के कारण हो गए बोले बड़े उदास, ध्यान लगा कर बैठ गए हो जाए कांत कैलाश। पार्वती ने लिया जन्म फिर शिव को पाने को, लगी है घोर तपस्या करने जा जंगल में वो। करे विवाह अब पार्वती से सभी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। बैठ गई है माँ गौरा तो शिव का लगा कर ध्यान, सहस्त्र वर्षों की है तपस्या बिना किए जलपान। फिर तो नारद मुनि है माँ गौरा के पास आए, हुई तपस्या पूर्ण है माँ लौट के घर जाए। पर्वत राज हिमालय आपको लेने आते हैं, भोलेनाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु नारद जी भोले के पास आए, आपकी खातिर माँ गौरा बैठी है ध्यान लगाए। उनकी विनती फिर तो भोले मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुर का अत्याचार तो बढ़ने लगा था, पार्वती और भोले का भी हो जाता है विवाह। सोचा कि सब देवों ने अब हो जाए समाधान, तारकासुर का वध कर देगा जो शिव की संतान। करने लगे सब इंतजार कब वह घड़ियां आए, शिव को संतान कोई और तार का सुर मर जाए। लेकिन खत्म हुआ नहीं अब तक देवों का इंतजार, माता पार्वती के अब तक दिखे नहीं आसार। सभी देवता फिर चिंता में पड़ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। अग्निदेव को फिर तो सब देवों ने है बुलवाया, सारा दुखड़ा अपना अग्निदेव को बतलाया। बोले कि शिव शंकर को नहीं हुई कोई संतान, जाकर उनके पास निकालो आप कोई समाधान। अग्निदेव ने एक कबूतर का है रूप बनाया, उड़ते उड़ते फिर वो कबूतर है कैलाश पे आया। बोला तारकासुर का बढ़ गया हद से अत्याचार, आपकी ही संतान के भोले उसको शक्ति मार। अपना वीर्य फिर अग्निदेव पर वह बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। शंकर के वेग से है कार्तिक का जन्म हुआ, फिर तो स्वर्ग में सभी देवगण खुशियां रहे मना। पण कार्तिक नाम इसे तो कहा स्कंद भी जाता, माँ गौरा का नाम तभी माँ अस्कंद कहलाता। शिव गौरा के पास में फिर तो सभी देवगण आए, बोले तारकासुर के अत्याचार है बढ़ता जाए। पुत्र कार्तिक उसके अत्याचार मिटाएंगे, होगा सेना नायक ये जब युद्ध में जाएंगे। सुनकर देवों की बातें भोले मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुनकर बोली गौरा माँ ये अभिनादान है, युद्ध विद्या में निपुण नहीं शस्त्र का ज्ञान है। बोले सभी देवता माता ऐसे ना घबराओ, अपने पुत्र कार्तिक को शस्त्र विद्या सिखलाओ। तारकासुर को मिला हुआ है ब्रह्मा से वरदान, वध करने को आए तेरा शिव की ही संतान। अस्त्र शस्त्र की विद्या का फिर दिया है माने ज्ञान, करने को उद्धार सभी का चले अस्कन भगवान। सभी देवता कार्तिक की जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार।
असुर का कर दिया कार्तिक ने संहार। सभी देवता बोल रहे मिलकर के जय जयकार। रूप स्कंद में वन रक्षक देवों के आए हैं। स्कंद की माता गौरा माता तब ही कहलाए हैं। ममता भी बरसाती है और देती है शक्ति। पांचवें नवरात्रे में करते सब इनकी भक्ति। डीएस पाल तेरी महिमा का करता वर्णन है। हंस राज रल हनीश को सुनता सारा दिन है। फौजी सुरेश तो लिखता है जैसा बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं नौ रातों में पांचवें दिन इस रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौ रातों का त्योहार भक्तों को लगा।